आप सभी का चक्रधारी क्लासेस के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित 87 क्वेश्चन को एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला है, 15 अप्रैल 1930 को छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में हुए महाकौशल राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है, महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका आंसर है सेठ गोविंद दास। अगला देखते हैं, पोड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता जिन्हें 28 अक्टूबर 1930 को गिरफ्तार कर 6 माह के लिए जेल में डाल दिया गया था, वे कौन हैं? इसका सही आंसर है रामाधार दुबे। अगला, जवाहरलाल नेहरू का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1933, 34, 35 और 36। तो प्रथम आगमन 1935 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कलचुरीकालीन छत्तीसगढ़ों की नामावली एक अभिलेख में है, वह कौन सा है? ऑप्शन है, रतनपुर अभिलेख, खल्लारी अभिलेख, राजिम अभिलेख और सिहावा अभिलेख। इसका आंसर है खल्लारी अभिलेख। इसमें छत्तीसगढ़ों की जानकारी मिलती है। अगला है, गांधी जी के द्वितीय प्रवास के समय राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कौन थे जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था? सेंट लुइस, जॉन केरी, स्मिथ पियर्स, लुइस हैमिल्टन। तो इसका आंसर है स्मिथ पियर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। अगला है, भाटागुड़ा बस्तर किस धर्म के विशेष स्थल के रूप में विख्यात है? इसका सही आंसर है जैन धर्म के लिए। अगला है, मधेश्वर पर्वत जिसे प्राकृतिक शिवलिंग की संज्ञा दी जाती है वह किस जिले में स्थित है? कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, जांजगीर चांपा। इसका आंसर है जसपुर जिले में यह पर्वत है तथा यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान मद्य निषेध कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है, इसका सही आंसर है 7 फरवरी 1921। अगला देखते हैं, मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं ठठारी, बारगांव, तारापुर, अकलतरा। तो इन सभी गांव से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। अगला क्वेश्चन है, 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस के संबंध में सही नहीं है, यहाँ सही नहीं बताना है, इसलिए देखिए। इसके वारदात में प्रमुख परशुराम सोनी, डॉक्टर सूर और गिरीलाल लोहार थे। हथियार निर्माण की जगह ईदगाह भाटा मैदान रखा गया था। छत्तीसगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मिस्टर पियर्स ने इस घटना की जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका एकदम ही गलत आंसर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान खान साहब की उपाधि किसने त्याग की थी? इसका आंसर है काजी शेर खान ने। अगला, ब्रिटिश काल में स्थापित पुलिस व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है। 1856 में 4 पुलिस विभाग जिसमें रायपुर, रायपुर तहसील, धमतरी तहसील व रतनपुर तहसील थे। 1 फरवरी 1857 को पुनर्गठन कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 5 पुलिस प्रशासनिक भागों में बांटा गया। जनवरी 1858 को पुलिस मैनुअल लागू किया गया जो पंजाब राज्य से संबंधित था। जमींदारी क्षेत्रों में बिना अतिरिक्त शुल्क के पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जाने लगा। तो इसमें से ऑप्शन डी गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई? ऑप्शन है, जामुल दुर्ग, बोधरी बिलासपुर, माना रायपुर। तो इसका आंसर है माना रायपुर से। कुषाण कालीन स्थल तेलीकोटा के संबंध में क्या सही नहीं है? यह रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त सिक्कों की खोज डॉक्टर सी के साहू ने की है। यह सिक्के स्वर्ण धातु से संबंधित है, उपयुक्त तो सभी सही है। तो इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि यह गलत है सभी चीज।
अगला है लवकुश जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम तुतुया में सर्वप्रथम खनन का कार्य किसने करवाया था? मिस्टर एंडरसन, कर्नल आउसले, एच एफ स्मिथ, एच एम लारी। तो इसका आंसर है एच एम लारी ने। अगला, गोपाल मिश्र किस राजा के चारण कवि थे? इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा, यह राजसी के दरबारी कवि थे। अगला है सोना खान से संबंधित रिपोर्ट जिसमें सोना खान जमींदारी के वार्षिक कर न पटाने का जिक्र मिलता है, किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है जेनकिंस। अगला, रायपुर में खोले गए राष्ट्रीय विद्यालय जिसमें 240 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ, ये प्रधान पाठक कौन थे? इसका आंसर है रामनारायण तिवारी। भुवन भास्कर सिंह का संबंध किससे है? रायपुर डायनामाइट केस, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर आगजनी, बिलासपुर विद्यार्थी सप्ताह। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर विद्यार्थी सप्ताह से। नेक्स्ट, गांधी जी के प्रथम प्रवास में धमतरी में किस स्थान में सभा का आयोजन किया गया था? गांधी चौक, धमतरी, मकईबंद चौक, छोटेलाल श्रीवास्तव की कोठी, जानी हुसैन का बाड़ा। तो इसका आंसर है जानी हुसैन का बाड़ा। अगला है, गांधी जी के द्वितीय प्रवास से प्रभावित होकर किसने गांधी मीमांसा लिखा? इसका आंसर है रामदयाल तिवारी ने। अगला है, 1947 की आजादी के समय मध्य प्रांत के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर है मंगलदास पकवासा। नेक्स्ट है, बिलासपुर वानर सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है वासुदेव देवरस ने। वासुदेव देवरस ने वानर सेना का गठन किया था। कचुरियों की लहरी शाखा की राजधानी खल्लारी से रायपुर रतनपुर स्थानांतरित की थी? तो ब्रह्मदेव ने। किस शासक को वाकाटक वंश के खोए हुए भाग्य का निर्माता कहा जाता है? पृथ्वीसेन द्वितीय को। अगला है, किस शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि कलचुरी काल में नारायण नामक कवि ने राम अभ्युदय काव्य की रचना की थी? इसका आंसर है पुजारी पाली। नेक्स्ट, सातवाहन कालीन स्थल बूढ़ी खार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह बिलासपुर जिले के मल्हार में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ स्थित मूर्ति शैव धर्म से संबंधित है, आगे बढ़कर देख लेते हैं, ये गलत है। इसके शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ स्थापित मूर्ति प्रभावती और भारद्वाजी स्त्री द्वारा निर्मित है, ये भी सही है। इसमें अंकित लेख ब्राह्मी लिपि में है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तानी लाल सेना नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे? मदन लाल बागड़ी। आरंग से 5वीं शताब्दी का एक रत्न जड़ित तांबे का सिक्का मिलता है, यह किस गुप्त शासक से संबंधित है? इसका आंसर है कुमार गुप्त से। जसवंत ठाकुर किस घटना से में शामिल थे? तो दुर्ग कचहरी में जो आग हुआ था उसमें जसवंत ठाकुर शामिल थे। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के दौरान रायपुर के अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर कौन थे? इसका आंसर है मुबील उल हसन। अगला है, राजनांदगांव में कांग्रेस द्वारा बंग भंग आंदोलन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? इसका आंसर है सारंगपानी मुरलियार का निवास, ऑप्शन बी। हिंदू पौराणिक स्थल सीतालेखनी किस जिले में स्थित है? तो यह सूरजपुर जिले में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किस नेता ने यह लिखा था कि हुकूमत ने लगाकर 108 की मुहर भी सनद दी है, तलवार से बढ़कर है जुबा मेरी? यह कथन है मौलाना रऊफ खान की। छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अकाल पड़ा था जिसके लिए मध्य प्रांत के किस चीफ कमिश्नर द्वारा रायपुर में एक दरबार का आयोजन किया गया था? इसका आंसर है मिस्टर वुडवर्थ द्वारा। अगला है, ब्रिटिश काल में कौन सा सर्वोच्च पद भारतीयों के लिए आरक्षित किया गया था? अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, ऑप्शन डी। मई 1921 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल कादिर सिद्दीकी, ऑप्शन सी। फरवरी
1920 में किस स्थान में वृहद किसान मजदूर सभा का आयोजन किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी राजीव। नवंबर 1925 में सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में हरिजन को प्रवेश दिलाया था? जो इसका आंसर है रामचंद्र मंदिर राजीव में। नलवंशी शासक स्कंद वर्मन के द्वारा किस वह कटक शासक को पराजित कर नलवंश की पुनः स्थापना की गई? इसका आंसर है देवसेन। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के छत्तीसगढ़ में कब से शुरू किए गए? इसका आंसर है 5 जून 1855। बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसके मकान में की गई थी? इसका आंसर है बद्रीनाथ साव के। 31 दिसंबर 1946 को किस स्थान पर हुए तहसील राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोहन बाकलीवाल ने की थी? तो यह है बेमेतरा में। कल्याण सिंह और उसके भाइयों पर कौन सा अपराध लगा था? यह मानववध का अपराध लगा था। पकरिया जंगल सत्याग्रह संबंधित है, मतलब कहाँ स्थित है? यह जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ब्रिटिश प्रांत में विलय के पश्चात छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ हुई? इसका आंसर है तहसीलदारी, ऑप्शन डी। गांधी जी द्वारा अपनी पत्रिका नवजीवन में किस घटना को रिमार्केबल रूलिंग कहकर संबोधित किया गया है? इसका आंसर है गुप्त जी द्वारा सदन में हिंदी भाषण की अनुमति देना, ऑप्शन सी। गोपाल मिश्र किस राजा के चारण कवि थे? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राजसिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेताओं को किस जेल में रखा गया था? इसका आंसर है विल्लोर जेल में यह रखा गया था, ऑप्शन सी सही है। किरारी काष्ठ स्तंभ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? किरारी काष्ठ स्तंभ वर्तमान में शक्ति जिले में स्थित है, यह गलत है। इसकी खोज 1900 में की गई जो वर्तमान में रायपुर संग्रहालय में सुरक्षित है, ये भी गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसमें सातवां काल वानकालीन नेताओं का उल्लेख किया गया है। अगला है, अपनी केसरी पत्रिका में प्रकाशित किस लेख की वजह से माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर है देश का दुर्भाग्य और बम के गोले का रहस्य के लेख के लिए, ऑप्शन डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में पत्र बम की योजना किसने बनाई थी? इसका आंसर है राम नारायण मिश्र हरसूल ने, ऑप्शन बी। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसी डिक्टेटर नियुक्त किया था? इसका आंसर है राजकिशोर वर्मा को। छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन के समय यह का वक्तव्य अब हम हिंदू और मुसलमान नहीं रहे बल्कि अब सही अर्थों में हिंदुस्तानी हैं, किनके द्वारा कहे गए थे? यह रविशंकर शुक्ल द्वारा कहा गया था। छत्तीसगढ़ हो में निम्न में से कौन सा रायपुर शाखा के अंतर्गत एक गढ़ था? इसका आंसर है सिंघनगढ़, यह रायपुर शाखा के अंतर्गत एक गढ़ है। छत्तीसगढ़ पौराणिक स्थल लक्ष्मण पांव किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सूरजपुर। अगला है, इस कलचुरी शासक के सिक्कों के अग्रभाग पर श्रीमद जाजल देव तथा पृष्ठभाग पर गज शार्दूल अंकित है? तो इसका आंसर है जाजल देव प्रथम। अगला है, सुंदरलाल शर्मा द्वारा चलाए गए अछूत उद्धार आंदोलन को समर्थन प्रदान करने किसने 21 दिन का उपवास रखा था? इसका आंसर है छबीराम चौबे ने। कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व वैज्ञानिक तथा साहित्यिक समिति 1870 की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर हुई थी? रायपुर जिले में, ऑप्शन डी। हनुमान सिंह के संदर्भ में सही नहीं है, देख लेते हैं इसको। वह नागपुर की तीसरी सैनिक टुकड़ी में मैगजीन लश्कर के पथ पर था, ये बिल्कुल सही है। 18 जनवरी 1858 को उसने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी, ये भी सही है। इसमें कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई, ये भी सही है।
इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। अगला है, सिंधु कुम्हार व रुलू कुम्हार नामक व्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए थे? तो इसका आंसर है रुद्री नवागांव में, ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में पत्र बम की योजना किसने बनाई थी? इसका आंसर है राम नारायण मिश्र। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गए हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पुराणों के अध्ययन से कुषाण वंश के बाद किस वंश का शासन माना जाता है? इसका आंसर है ननावदैव। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भोंगापाल किस जिले में है? इसका आंसर है यह कोंडागांव जिले में स्थित है। 11 मई 1920 को रोलेट एक्ट व जलियांवाला बाग के विरोध में बिलासपुर जिले में किए गए प्रथम राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है जाफर मुंजे के द्वारा। सीता बेंद्रा की गुफा की खोज 1848 ईस्वी में किसने की थी? इसका आंसर है कर्नल औसले ने। गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह के छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। मेवाड़ गाथा 1914 की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है लोचन प्रसाद पांडे द्वारा। डॉक्टर हेमू यदि द्वारा लिखित किताब छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ में कुल कितने रामायण कालीन स्थल बताए गए हैं? ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 75। अगला है, प्राचीन समय में किस नगर का नाम कामाख्या नगरी था? इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा, यह डोंगरगढ़ को कहा जाता था। अगला है, वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका आंसर है रेवा नदी का। अलग है, कलचुरी राजाओं द्वारा विभाजित छत्तीसगढ़ों में यदि गढ़ का मुखिया गणपति ब्राह्मण होता था तो उसे कहते थे दीवान। अगला, बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव हरपाल ने। अशोक कालीन मूर्तियां जो कोटा डोर से प्राप्त हुई हैं किस जिले में स्थित है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। तमोरा जंगल सत्याग्रह के दौरान बालिका दयावती ने किस अधिकारी को थप्पड़ मारकर साहस का परिचय दिया था? तो इसका आंसर है एमपी दुबे को। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 1922 की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई, जिस सभा में प्रवेश के लिए पास एंट्री सिस्टम रखा गया था? इसका आंसर है उमाकांत घाटे। कलचुरी राजाओं द्वारा निर्मित दुधाधारी मठ किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका आंसर है रामानंदी संप्रदाय से। असहयोग आंदोलन के दौरान खादी प्रचार के लिए रावण भाटा मैदान में 3 दिवसीय प्रदर्शन में दूसरे दिन का संचालन किनके द्वारा किया गया था? अंजुमन बेगम द्वारा। घाट लोहान, खड़ा घाट, कालीपुर, भातेवाड़ा आदि छत्तीसगढ़ के स्थल किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रशांत काल से। महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है पहले यह जांजगीर चांपा में आता था, अब वर्तमान में शक्ति जिले में आता है। असहयोग आंदोलन के समय वकालत छोड़ने वाले नेताओं के स्थान सुमेलित नहीं है, तो इसमें घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग जिले से सही है, ई राघवेंद्र राव बिलासपुर ये भी सही है, तो बलदेव प्रसाद मिश्र रायपुर ये सही नहीं है, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव श्री खदान ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला, बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वर चरण शुक्ल, नारायण दास राठौर, जय नारायण पांडे ये व्यक्ति किस घटना से संबंधित हैं? यह रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंघम के अनुसार रायपुर लहरी के संस्थापक हैं? इसका आंसर है केशव देव। नेक्स्ट है, उदरगढ़ नामक स्थल जहां माँ भगवती मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, काल भैरव मंदिर स्थित है किस जिले में है? इसका आंसर है यह सूरजपुर जिले में स्थित है। ऋषभ तीर्थ का उल्लेख करने वाला निम्न श्लोक किस हिंदू पौराणिक ग्रंथ में उल्लिखित है? उसका श्लोक है ऋषभ तीर्थ मासद यह कोसलायाम नराधिप वाजपेय
मना पोथी क्रीरा त्रो पोषितो नरः। यह जो उल्लेख है वह महाभारत में लिखा गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी चीज़ में डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।